असलम व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल कैट्स एंड बैड्स क्लब मैं हूँ फरीशाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड के बारे में है कि कैट्स जो आप न्यू बाई करते हैं या कैट्स या किटन जब आप न्यू बाई करते हैं तो उसको दूसरी फीड पे स्विच कैसे कराएं ठीक है तो अक्सर ऐसे होता है ये मुझे मैसेज वगैरह आते हैं कि जी हमारी कैट तो सिर्फ फ़ीड ही खाती है इसके अलावा कुछ भी नहीं खा रही ठीक है तो ये काफ़ी मसला आ रहा है तो उसको कैसे दूसरी फीड दी जाए कुछ और भी हेल्दी चीज़ें होती हैं लेकिन कुछ कैट सिर्फ और सिर्फ फ़ीड खा रही होती हैं इसके अलावा कुछ नहीं खा रही होती उसमें यह होता है कि जब आ, किटन बिल्कुल टू मंथ्स का होता है ना उसको जिस चीज़ की आदत डाल दोगे ना पूरी ज़िंदगी उसको उस चीज़ की आदत रहेगी ठीक है वो फिर तकरीबन हर चीज़ का उसका टेस्ट डिवेलप हो जाता है अगर आप बड़ी कैट लेते हैं या इतनी कैट लेते हैं ठीक है ये मेरी कैट है इसको मैंने बचपन से ही पाला है बिल्कुल छोटा सा किटन मेरे पास आया था मिल्कि इसका नाम है तो अब यह था कि इसको मैंने हर चीज़ पे लगाया स्पेशली मैं आपको पता है ज़्यादातर होम मेड फूड ही बना के देता हूँ घर पे चिकन वगैरह बॉयल करके सिंपल सी खुराक में बनाता हूँ जिसमें ज़्यादातर चिकन वग़ैरह बॉयल होता है ठीक है तो अब ये बॉयल चिकन दे रहा हूँ ये खा रही है ठीक है इसके अलावा इसको मैंने फीड पे भी लगाया क्यों क्योंकि मुझे ये था कि मैंने स्कूल वगैरह में टीचिंग करनी होती है ठीक है मेरे पास टाइम कभी कम होता है हर टाइम मेरे पास ये अवेलेबल नहीं होती कि मैं चिकन ला कर उसको बॉयल करूँ और फिर इनको सूप भी बना के दूँ सब कुछ तो फिर कभी कभी समाइम मैं उनको फीड भी डाल देता हूँ तो मैंने इसको उस चीज़ की भी आर्डर डाली समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चिकन भी ना हो आपके पास फ्रीड भी ना हो ठीक है तो फिर क्या आप दे सकते हैं इसको रोटी दे सकते हैं चावल दे सकते हैं जो घर पे हर हर एक के घर में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं रोटी तो होती है हर एक के घर पे तो रोटी पे भी मैंने लगाया हुआ है ताकि रोटी भी खा सके तो इस तरह करके आपको बचपन से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लेकिन अब क्या है कि अब आप आपने न्यू बाई की है फर्ज करें इतनी कैड की है उसको बचपन से ट्रेनिंग नहीं है तो फिर क्या करें तो फिर स्विच कैसे करवाएं इनको तो उसका मैं आज आपको तरीकाकार बताने लगा कि चाहे बड़ी कैट हो चाहे छोटी कैट हो आप उसको दूसरी फीड पे इजीली लगा सकते हैं लेकिन एक तरीकाकार होता है एक मेथड होता है उसके अलावा आप इनको आ, उस चीज़ पे मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूजी होती हैं ये वो जानवर नहीं है जिसको आप कुछ भी आप दे दो बड़ा सेंसिटिव जानवर है बड़ा समझदार जानवर होता है ये ठीक है और बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं प्यार करने वाले होते हैं और बड़े ज़्यादा समझ लें कि ये सेंसिटिव uh, भी होते हैं और अक्लमंद भी होते हैं इनको जिस तरह आप uh, आदत डाल दोगे ना ये वैसे ही ही हो जाते हैं ठीक है और बड़े नखरे वाला जानवर है ये तो अक्सर बिल्लियाँ कुछ ज़्यादा नखरे करते हैं कुछ जोन सी होते हैं सिंपल होती हैं जैसे आपको हर इंसान एक अलग नेचर का मिलेगा इस तरह आपको हर कैट अलग नेचर की मिलेगी इसमें भी इनकी सब की अलग अलग नेचर होते हैं कुछ गुस्से वाली कुछ खेलने वाली होती हैं कुछ फ्रेंडली होती हैं कुछ सब कुछ खा लेती हैं कुछ कोई चीज़ भी नहीं खाती बड़ी चूजी बड़ी सेलेक्टिव होती हैं बड़े ज़्यादा नखरे वाले होते हैं तो हैर जो भी नेचर हो कैट की उसको एक तरीके से उसको ट्रेन किया जा सकता है तो आज मैं उस ट्रेनिंग के बारे में आपको बताऊँगा कि स्विच कैसे करना है फूड को अगर फ़र्ज़ करें यह मैं इसको ये दे रहा हूँ बॉयल चिकन दे रहा हूँ जो कि इसमें अभी आपके सामने इस वीडियो में ये खा रही है ठीक है तो अब इसको मैं फीड पर लगाना चाहूँ अगर ये फ़र्ज़ करें कि मेरे पास न्यू आई है सिर्फ चिकन खाती है फीड नहीं खाती तो मैं क्या करूँगा इस चिकन के साथ थोड़े से दाने फीड के डाल दूंगा जो कि मैं इसको खिलाना चाह रहा हूँ या उसका पाउडर बना के उसके ऊपर डाल दूंगा ताकि उसको टेस्ट तो डिवेलप हो ना इसको टेस्ट आए मुंह में ठीक है जैसे इसका टेस्ट डिवेलप होना शुरू होगा नेक्स्ट जब मैं इसको नेक्स्ट डे जब मैं इसको दूंगा थोड़ी सी फीड ज़्यादा कर दूंगा और चिकन की क्वांटिटी कम कर दूंगा फिर उसके नेक्स्ट डे फीड ज़्यादा चिकन मजीद कम फिर फीड ज़्यादा फिर चिकन मजीद कम यानी कि जो भी चीज़ आपने देनी है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और जो चीज़ आपने नहीं देनी है उसकी क्वांटिटी कम करते जाएं जो चीज़ ही ऑलरेडी खा रही थी उससे क्या होता है कि इनको उस चीज़ की आदत पड़ना शुरू हो जाती है ठीक है और अगर ये फीड खाती हो अगर आपका कोई किटन फीड खाता हो ठीक है चिकन नहीं खा रहा तो आपने क्या करना है फीड डालें उसको फीड ही डालें और पूछें जिससे आपने लिया उसको कौन से कंपनी की फ़ीड डालते थे वो फीड डालें उसके साथ थोड़ा सा चिकन रख दें ताकि वो चिकन को भी ट्राई करें ठीक है जब वो चिकन को ट्राई करेगी उसको टेस्ट आएगा चिकन का उसके बाद फीड की क्वांटिटी कम करते जाएं मकदार और चिकन की बढ़ाते जाएं फीड की कम करते हैं बढ़ाते जाएं इस तरह एक हफ्ता लगेगा आपको छः सात दिन में आपने आहिस्ता आस्ता क्वांटिटी कम करते जाना है और दूसरी जो चीज़ आप देने वाले हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है मकदार उससे क्या होगा कि ये इजीली उस पर आ जाएंगे उस चीज़ पे ठीक है इस तरह करके आपने ट्रेनिंग देनी है किसी भी चीज़ पे आप स्विच करवा सकते हैं जो भी चीज़ आप इसको खिलाना चाहते हैं शर्त यह है कि वो उस कैट को कम अज़ कम वो चीज़ थोड़ी सी तो पसंद हो ना ये ना हो कि कुछ कैट तो बिल्कुल भी एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कर रही और आप उसको ज़बरदस्ती उस पर लगा रहे हैं जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैट्स बिल्कुल कम मकदार में खाती हैं आप उसको ज़्यादा मकदार में देना चाहते हैं रोटी है रोटी कैट कम मकदार में खाती है बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो वो फिर दूर हो जाएगी लेकिन ये है कि आप पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कैट की पसंद नापसंद क्या है लेकिन जो मैंने आपको मैथड बताया है अब एक और मसला ये आ रहा है मुझे वीडियो बनाते हुए एकदम से याद आ गया कि अक्सर जब आप कैट लेके आते हैं उसका आपके पास आते ही पेट खराब हो गया कैसे हो गया पेट खराब पहले तो वो ठीक थी ऐसे हो गया कि उसको जो फीड दी जा रही थी वो और कंपनी की थी आपने उसको दे दी और कंपनी की ठीक है तो उससे पेट खराब हो जाता है तो अगर आपने दूसरी कंपनी की भी फीड देनी है अगर एक कंपनी की फीड दे रहे हैं दूसरी कंपनी की देनी है तो तब भी आपको यही मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप उसको दूसरी कंपनी की जो वो खा रही थी फीड उसके साथ जो आपने न्यू कंपनी ली है उसकी थोड़ी सी ऐड करें ताकि उसको उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सके और उसकी उससे यूज हो सके उसके बाद वो जो आपने नई फीड लाई है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और पुरानी फ़ीड की कम करते जाएं ये तरीका कार होता है कोई भी न्यू फीड आप लेके आते हैं आपने उसको कम देनी है बिल्कुल थोड़ी सी देनी है उसके बाद उसकी मकदार बढ़ाते रहना ना एकदम से अगर आप मैं इसको फ़र्ज करें इसको मैं कोई और फीड ब्रांड दे रहा हूँ ठीक है अगर मैं दूसरा नया ब्रांड लेके कर आऊँगा और उस दिन मैंने उसको वो वाली सब सार, सारी डाल दी फीड और जो पुरानी वाली फीड थी वो डाली नहीं वो बिल्कुल भी तो क्या होगा टोटली न्यू फीड जब उसके पेट में जाएगी तो हो सकता है उसे डाइजेस्ट डिजे, ना हो वो उसे डाइजेस्ट ना कर सके तो बीमार हो जाएगी उसका पेट खराब हो जाएगा तो इस तरह करके बहुत सारे लोगों में ये इशू आ रहा है बहुत सारे लोगों की कैट्स में ये इशू आ रहा है कि जब हम कैट न्यू लेके आए हैं वो बीमार हो गई है तो वो मेन इशू फीड का ही होता है कोई भी नई फीड आपने यूज़ करनी है तो तरीका तरीकाकार वही होगा थोड़ी क्वांटिटी में वो रखें और जो पुरानी जो चीज़ वो खा रही थी उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें फिर जो चीज़ खा रही थी उसकी मकदार कम करते जाएं और जो चीज़ आपने खिलानी है उसकी मकदार ज़्यादा करते जाओ इस तरह करके आप इनको कैट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ टू बना सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप की कैट हर चीज़ खाए तो आपको लेना पड़ेगा छोटा किटन जो कि मिनिमम फोर्टी फाइव डेज़ का हो या टू मंथ्स का हो ठीक है टू मंथ्स के किटन को अब आप जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी देते रहेंगे देते रहेंगे जैसे ही वो थ्री मंथ्स का हो जाएगा वो फिर सारी सारी चीज़ें खा सकता है मैं जितने भी अपने छोटे किटन्स हैं मैं उनको हर चीज़ पर ट्रेन करता हूँ मैं उनको फीड भी देता हूँ मैं उनको चिकन भी देता हूँ ठीक है अब फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप आगे जाके जो मैं आपको किटन सेल करता हूँ उसको आप फीड खिलाएं या उसको आप चिकन खिलाएं तो यही तरीका कार है और जब भी कभी ब्रांड चेंज करें तो यही तरीका कार है थोड़ी सी फीड डालें उसको चेक करें उसको डाइजेस्ट हुई है उसके बाद ज़्यादा करें कोई भी विटामिन दे रहे हैं पहले दिन डोज कम दें उसके बाद ज़्यादा दें तो ठीक है ताकि आपकी कैट बीमार ना हो ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती हैं कैट्स और सेंसिटिव होती हैं इंसानों वाले हिसाब है कैट को अगर सुबह बिल्कुल एक्टिव है रात को बुखार भी हो सकता है तो अगर सुबह पेट बिल्कुल ठीक है रात को ख़राब भी हो सकता है तो इसकी मेडिसिन भी मैंने बताई हुई है मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं अभी भी मज़दी काफ़ी टॉपिक हैं जिनको मैंने कवर करना है और ये आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही है आप कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से अलग से गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें मैं व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपको कोई भी मसला हो मुझसे पूछ सकते हैं कैट बाय करना चाहते हैं तब भी आप मुझसे रबता कर सकते हैं क्योंकि मैं अपने पास कैट्स लेके उनको खुद ट्रेन करता हूँ लीटर ट्रेन भी करता हूँ और खाने के लिए ट्रेन भी करता हूँ ठीक है तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप जो मैंने मेथड बताया उसको फॉलो करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़